नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से तीन अध्यादेशों के विरोध में आज डवाली में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया था और डवाली के तमाम बाजारों को बंद करवाते हुए जैसे ही तमाम किसान यानी कि जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो डवाली किसी गोल चौक पर पहुंचे तो उन्होंने आते ही मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के यहां पर पोस्टर लगे देखे तो किसानों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद तमाम लगे हुए पोस्टरों को प्रदर्शनकारी किसानों ने फाड़ दिया। तो ये हम आपको तस्वीरें डवाली के गोल चौक की दिखा रहे हैं जहां पर आज किसानों की ओर से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया था, जहां पर पूरे शहर के बाजारों को बंद करवाते हुए तमाम जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो डवाली के गोल चौक पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पोस्टर लगे हुए देखे तो वहाँ पर किसानों का गुस्सा भड़का और किसानों ने दुष्यंत चौटाला के तमाम पोस्टर को फाड़ डाला। आपको बता देते हैं कि इसी गोल चौक पर दो दिन पहले जेजेपी के जिला अध्यक्ष सरबजीत सिंह मशीता को नवनियुक्त किया गया था, जिलाध्यक्ष वो बने थे, उनकी खुशी में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से दुष्यंत चौटाला के साथ उनके पोस्टर लगाए गए थे। और आज भारत बंद के तहत जिस तरीके से डवाली में किसानों ने पूरे डवाली को बंद करवाते हुए तमाम बड़ी संस्थाओं से व्यापारियों से अपना समर्थन लेते हुए आंदोलन किया तो उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें हम आपको गोल चौक की दिखा रहे हैं जहाँ पर इन पोस्टरों के माध्यम से जिला अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में संदेश लिखे गए थे। इसके अलावा जेजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के फोटो भी इन पोस्टरों पर लगे हुए थे, लेकिन किसानों के आज आंदोलन में डवाली में जोरदार प्रदर्शन हुआ और इसी के बीच भारी संख्या में किसान दिन भर डवाली की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जैसे ही नेशनल हाईवे 54 और 9 पर आकर गोल चौक पर किसान पहुंचे तो वहां पर किसानों ने दुष्यंत चौटाला के जितने भी पोस्टर लगे थे उन पर लाठियों के साथ हमला करते हुए उन्हें फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया और सीधे तौर पर किसानों की ओर से बीजेपी सरकार और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने तमाम पोस्टर को बुरी तरीके से फाड़ते हुए यहां से प्रदर्शनकारी आगे निकले और कुछ मिनटों के लिए यहां पर गोल चौक पर ट्रैफिक को जाम भी किया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये कवायद रखी गई थी यहाँ पर हाईवे को जाम ना किया जाए। हालांकि ये भी खबर निकल कर आई कि आज के इस प्रदर्शन में हालांकि 100% कामयाब रहा आज का प्रदर्शन, लेकिन शहर में कई दुकानों को जबरन बंद करवाया गया जिसमें कई व्यापारी संगठनों का रोष था कि धक्का मुक्की करते हुए कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे युवा उसमें थे, जहाँ पर हमारी बातचीत जो मिठू सिंह कंबोज जो कि भाईचारा किसान यूनियन का नेतृत्व आज कर रहे थे उनके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं था कि जबरन दुकानों को बंद करवाया जाए या फिर किसी तरीके से कुछ असामाजिक गतिविधियों को यहां पर चलाया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कुछ असामाजिक तत्वों का ही काम था जिन्होंने पोस्टर वार या फिर शहर में जबरन कुछ दुकानों को बंद करवाया, लेकिन जिस तरीके से कल देसु जोधा में दिग्विजय सिंह चौटाला के पहले आने से किसानों की तरफ से विरोध किया गया था और वो गांव में आते आते उनका प्रोग्राम उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा और यहां तक कि उन्हें अपना देसु जोधा का दौरा है वो रद्द करना पड़ा था, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ही गृह क्षेत्र में उनके तमाम पोस्टर को किसानों की तरफ से इस आंदोलन के अंदर फाड़ा गया है। डवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज।